Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel after a very long time. हम अपने स्टूडियो में आए हुए हैं और मैंने सोचा काफ़ी टाइम से मैं अपने यूट्यूब में मिसिंग रहा हूँ, काफ़ी निगलेक्ट हो गया मेरा यूट्यूब चैनल. बट बहुत आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और बाकी जो मेरे चैनल हैं फेसबुक उसमें शायद ना फॉलो करते हो, तो मैंने सोचा आपके साथ अपडेट शेयर करूँ और आपको थोड़ा सा बिहाइंड द सीन्स भी दिखाऊँ ऑफ बीइंग अ क्रिएटर और कितना काम होता है बिहाइंड द सीन्स, सफाई का, आपकी इक्विपमेंट मैनेजमेंट का और बहुत कुछ. तो वो सारी चीज़ें हम इस व्लॉग में शेयर करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट्स इन स्टोर फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस चैनल और इस तरह की बहुत सारी कैजुअल सी चीज़ें शेयर करेंगे. तो रमा जो है मेरी वाइफ, वो भी साथ शामिल होती हैं, हमारे हर चीज़ में शामिल होती हैं. इनका भी चैनल हम मिलके रन करते हैं, मेरा चैनल में भी इनकी बहुत सपोर्ट होती है, इनका भी फुल सपोर्ट होती है, एडिट भी करी होती है कभी कभी मेरे व्लॉग्स. तो अभी हम स्टूडियो की सफाई भी कर रहे हैं, तो मैं सोचा आपको भी इस व्लॉग में शामिल करें, आपको भी सफाई का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हमने बहुत ऐसा स्टूडियो जब ये बिल्कुल कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हमने सब आपके साथ शेयर किया था हम स्टूडियो की कैसे सफाई कर रहे थे, इस कारपेट कैसे लगाया हमने, कहाँ से ख़रीदा, फर्नीचर जब आया उसकी पूरी अनबॉक्सिंग आपके साथ शेयर की. तो अब जो है हम ये भी आपके साथ शेयर करेंगे, यहाँ तक स्टेज पे पहुँच गया स्टूडियो, तो कितना गंद होता है, कितनी चीज़ें हमें इक्विपमेंट मैनेज करनी पड़ती हैं. और फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें, सिल्वर प्ले बटन जो है ये भी अभी तक यहीं पड़ा हुआ है, ये सारी हमने वॉल हैंगिंग्स बनाई हुई हैं, ये भी लगानी है स्टूडियो में. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट गोज़ ऑन टू इट, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा है इसको लगाने का. तो आज इंशाल्लाह फाइनली हम इसको लगाएंगे. एंड अगेन जस्ट गोज़ टू शो यू कि हाँ, यूट्यूब पे वीडियोस नहीं आ रही मेरी, बट बहुत काम चल रहा है, शॉर्ट्स पे ज़्यादातर हमारे इस वक्त फोकस है, बट इंशाल्लाह यूट्यूब पर भी हम एक वापस आएंगे और एक नई स्ट्रेटजी के साथ आएंगे इंशाल्लाह. तो अक्टूबर के बाद से हम ट्रैवलिंग के मोड में थे, हमने उमरा किया, कराची गए, वहाँ पर हमने दराज 11-11 की बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, फिर हम वापस आए तो हमने बहुत ज़्यादा एक एक ही कैंपेन के लिए एक शॉर्ट कॉन्टेंट बनाया. अभी बल्कि आप देख सकते हैं ये रमा अभी भी शॉर्ट कंटेंट बना रही हैं अपने लिए. तो साथ साथ अभी हम लिटरली दो वीडियोज़ एक वक्त में बना रहे हैं, ये यूट्यूब के व्लॉग भी बन रहे हैं और ये शॉर्ट रील भी बन रही है. यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान आपको नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा 2-2.5 साल का बच्चा है और वो हर चीज़ छूता है. तो जो चीज़ हम चाहते हैं हमें रिव्यू करने, जैसे हमने इलेक्ट्रिक स्टोव रखे हुए हैं यहाँ पर जो हमें रिव्यू करने हैं, वो हमने यहाँ पर छुपा के रखे हुए ताकि इसको जो है बच्चा डैमेज ना कर सके, या इसको हम प्रॉपरली नया रखें ताकि जब वीडियो बनाए तो यानी अच्छी हालत में हो और उसको हम प्रॉपरली रिव्यू कर सकें. तो यहाँ सारी चीज़ें जो हमने रिव्यू करनी होती हैं वो हमने यहाँ रखी हुई हैं. अभी हम रमज़ान का कंटेंट भी प्लान कर रहे हैं और ये अगेन ये जो एक तरह से ना हमारा स्टोर भी एक तरह से बन गया ये स्टूडियो, तो इस तरह से इसकी हालत भी इस तरह से गैर हुई हुई है क्योंकि यहाँ पर हर किस्म का सामान पड़ा हुआ है जो हमें रिव्यू करना है. हाँ जी, क्या करना है? ये हो जाए ना तो फिर आपने एक शॉट लेना है मेरा, ये रखते हुए ठक ठक ठक. ठीक है. एक चीज़ जो हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं रिसेंटली विद द स्टूडियो इक्विपमेंट इज, एक तो ये तो मेस तो बन ही गया है, इसको हम थोड़ा ऑर्गेनाइज करेंगे, बट हमारी जो बहुत सारी स्टूडियो इक्विपमेंट है ना स्टार्टिंग टू डिटोरिएट. फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रोड वायरलेस गो 2 लिए हुए थे और इनकी जो बैटरी है ना ये फूलने लग गई है. तो ये दीज आर दी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस जो आपके स्टूडियो या कंटेंट क्रिएशन में आते रहते हैं. तो आप ये देखें, ये रोड वायरलेस को की बैटरी फूलने लग गई है, ये इसका ट्रांसमीटर है, ये इस वाले की भी फूल रही है, दूसरे वाले ये दूसरा है, देखें इसकी भी बैटरी थोड़ी सी इसकी कम फूली है बट ये भी फूल रही है, ठीक है. और इसकी भी हालत इतनी अच्छी नहीं है बट इसकी इतनी बुरा हाल नहीं है, एक का बहुत बुरा हाल है और मैंने इसमें टेप लगा के इनको थोड़ा सा वो किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है. बट मैंने रोड को ईमेल लिखनी है बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड कि इतनी आई हैव बीन रिकमेंडिंग दिस टू अ लॉट ऑफ पीपल. बट ये देखें, इन्होंने काफ़ी महंगी माइक्स होते हैं, तकरीबन 50,000 रुपये का मैंने ख़रीदा था और अब ये देखें इनके क्या हालत हो गई है विद इन अ फ्यू ईयर्स. इसके साथ मेरा ये जो रोड का माइक है लैब माइक, ये भी थोड़ी गड़बड़ कर रहा है, इसमें शायद तार डैमेज हो गई क्या हो गया, तो इसमें भी आवाज़ के इश्यूज आ रहे हैं. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर बट अगेन आई एम अ बिग फैन ऑफ रोड. आप देखें रोड का ये माइक भी है, मैंने बहुत सारे माइक्स लिए हैं इसके, बट ये मेरे साथ अब होने लग गया ये. तो अगेन मैं इनको ईमेल लिखूंगा इनकी कस्टमर सर्विस को बिकॉज आई एम देयर लॉयल कस्टमर एंड दिस इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ब्रांड.
देखते हैं क्या हल निकलता है। कैमरे की बैटरीज भी हैं, ये मेरा बहुत ही पुराना कैनन का कैमरा है, ये मैंने 2016 में ख़रीदा था, तो तकरीबन 8 साल पुरानी बैटरीज हैं ये। इनकी भी ये ख़त्म हो गई, इनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, तो ये मैंने अमेरिका से रम्मा की कज़न आ रही है उनसे मैंने और ऑर्डर की हैं, तो ये ख़त्म हो गई है बैटरी हमारी, इसकी लाइफ भी ख़त्म हो गई है। ये दोनों तकरीबन 8 साल 8.5 साल पुरानी बैटरीज़ हैं। इसके अलावा ये एक मेरी कैनन जो छोटा वाला कैमरा है, इसकी ये इसकी बैटरी है, ये काफ़ी महंगी आती है, तो ये मेरे पास एक ही है, तो मैंने इसको और ऑर्डर कर दी इसकी भी रिप्लेसमेंट्स, ताकि मेरे पास थोड़ी बैटरी बैकअप ज़्यादा हो जाए। और इसके साथ साथ मैंने एक और चीज़ ऑर्डर की है, ये है वो बेसिकली दिस इज़ अ डमी बैटरी जो आप अपने कैमरे में लगा देते हैं और आप अपने कैमरे को डायरेक्ट एसी पावर से पावर कर सकते हैं। तो ये इसका डायरेक्ट ना आपका कैमरा इस प्लग से चलता रहेगा और आपको अनलिमिटेड बैटरी मिलती रहेगी। तो अगर आप लंबा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, पॉडकास्ट करना चाह रहे हैं और बैटरी के झंझट से बचना चाह रहे हैं, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो आप डमी बैटरी ले सकते हैं, और ये मैंने अपने कैनन के लिए ख़रीद ली है। तो अभी जो है रमा एक स्टॉप मोशन वीडियो बनाने लगी है, यहाँ सोफ़ा जो हमारे कुशन है उसकी हम एक स्टॉप मोशन वीडियो बनाने लगे हैं, तो उसके लिए हम ये एक सेटअप कर रहे हैं। ये फ़ोन का स्टैंड है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का है, ओलांजी BNW कलेक्शन ने मुझे भेजा था ये, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद दिस परचेज। ये वाला भी बहुत लोग पूछते हैं स्टैंड, ये भी ओलांजी का ही है, मैंने BNW से ख़रीदा है एंड इट्स रियली गुड। तो अभी मैं इसको यहाँ सेटअप करूँगा एंड देन वी कैन डू अ स्टॉप मोशन। स्टॉप मोशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कैमरा है वो बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, उसको कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, तो विच इज़ वाई वी गोना यूज़ दिस। और उसमें नीचे मैंने सैंड बैग लगाया हुआ है, ये सैंड बैग होता है, इससे आप थोड़ा एक्स्ट्रा वेट डाल देते हैं ट्राईपॉड पे, तो वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलता नहीं है। तो ये अभी हम कर रहे हैं, फिर हम ये लाइट ऑन करेंगे। ठीक है जी, ये हमारा सेटअप हो गया है, अब हम इसको यहाँ फ़ोन को एज अ कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल स्टेबल हो गया है। और मैं इसी फ़ोन से अपना इस लाइट को भी कंट्रोल करता हूँ थ्रू साइडस लिंक, तो ये एपिचर की लाइट्स हैं और ये आप जो है फ़ोन के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक्स। तो स्टॉप मोशन का मतलब आप डिफरेंट पिक्चर्स लेते रहते हैं और कैमरा स्टेबल रहता है। तो अभी रमा ने एक पिक्चर ले ली है, लाइट्स ऑन है, अभी रमा ने चेंज ऑफ सीन किया है, फिर से एक और शॉट लेगी, फिर से एक जाके चेंज ऑफ सीन करेगी और फिर से एक पिक्चर लेगी। दिस इज़ हाउ स्टॉप मोशन वर्क्स। और अब जो है वो ये नए कुशंस जो हैं स्टूडियो के लिए, अच्छा पहले वैक्यूम करेगी, फिर जो नए कुशंस हैं फिर उनका दिखाएगी। तो अभी क्या इसको वीडियो में आप करना है या पिक्चर्स लेनी है डिफरेंट है? ये जो है ये अब तो क्वेश्चन रखेंगे ना, पिक्चर लेंगे। अच्छा तो ये वैक्यूम करने की वीडियो बनानी है? है वैक्यूम करने की वीडियो बनानी है वो रील के लिए। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमने पहले सारे क्वेश्चन सेट कर दिए थे और फिर एक आहिस्ता आहिस्ता सबको एक दफ़ा रिमूव करते गए, तो हमने इसको रिवर्स में किया है ताकि सेटिंग बिल्कुल आउट ना हो। तो ये हमने सबसे पहले ये शॉट लिया, फिर ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया, फिर ये वाला लिया, फिर ये, और इसको हम प्ले रिवर्स में करेंगे, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो हम फाइनली ये जो है अपना जो नया बैकग्राउंड ड्रॉप होगा मेरा, यहाँ पे एडिटिंग सेटअप होगा, यहाँ शायद हम कोई डिस्कशन वगैरह करेंगे, तो उसका ये नया बैकड्रॉप मैंने सोचा है, इसमें हमारा सिल्वर प्ले बटन होगा और ये मेरी बैचलर्स इन साइंस इन कम्युनिकेशंस की डिग्री होगी पीछे, और मेरे सारे जो ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं। वेयर इज माय डिग्री? मेरी डिग्री दे दी है प्रेमो ने, वो अभी तक नहीं आई है, बट वो भी आएगी यहाँ पे इंशाल्लाह। हाँ, और रमा का भी सिल्वर प्ले बटन इंशाल्लाह आएगा। यस इंशाल्लाह। तो हम जो है हमारा स्टूडियो में रूल है कि रेड ब्रिक के अंदर कुछ ड्रिलिंग नहीं होगी, हमेशा इस मसाले के अंदर हम ड्रिल करते हैं ताकि हमारी जो रेड ब्रिक्स हैं वो इंटैक्ट रहें। तो ये मैंने मसाले के अंदर इसको ड्रिल किया। बिग मोमेंट फाइनली। सीधा टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा, ये सीधा इसको करना पड़ेगा सेट। दिखाओ
थिंक दिस इज द राइट स्पॉट। तुमने इसकी, हमने भी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा रूल है कि ब्रिक पे हमने कोई ड्रिलिंग नहीं करनी, मगर हम जो इसको लगा रहे हैं इसके अंदर जो सेटिंग हुई है ना, ये दो, एक तो आपको लगेंगे यहाँ पे होल, और ये बिल्कुल इस तरह से है कि बिल्कुल रेड ब्रिक के ऊपर ही आ रहा है इसका मिडल जो है ना, ये देखें। तो हमने ड्रिल तो नहीं करना, तो हम ये स्टिकर्स यूज़ कर रहे हैं, और ये हमने दराज से ऑर्डर किए थे, इसके लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। तो दीज आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग एंड होपफुली ये जो है सिल्वर प्ले बटन को होल्ड करेंगे। तो अभी मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, इसका पीछे स्टिकर उतार रहा हूँ, एंड वन बाय वन विल डू इट। यही है ना, वेरी अनसाइंटिफिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बट वी विल डू इट एंड होप फॉर द बेस्ट। हमने लगा लिया है, थोड़ी बहुत मेरी से मिस्टेक हो गई मेजरमेंट में, तो ये थोड़ी सी हमने एडजस्टमेंट की है। एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ऐसा हुआ भी जुगाड़ू, बट इंशाल्लाह मैं ऐसा एक और ऑर्डर कर दूंगा तो फिर ये प्रॉपर्ली लग जाएगा। एक मैंने यहाँ पे मुझसे उतर गया था, ये एडजस्टमेंट ठीक नहीं की थी, बट इट्स वर्किंग, और इतना कोई हैवी वेट नहीं होता, ये काफ़ी लाइट वेट होता है, तो आई थिंक इट कैन ईजिली विदस्टैंड द वेट, बट टाइम विल टेल। तो बेसिकली एक हम नया सेटअप कर रहे हैं, ये सोलो सोफे के साथ ये थोड़ा सा बैकड्रॉप हम नया बना रहे हैं, तो अगर आपने सिर्फ बैठ के बात करनी है सिंगल पर्सन, तो दिस इज़ अ न्यू बैकग्राउंड, न्यू सेटअप। Which one? अच्छा लग रहा है, हाँ ग्रीन से थोड़ा सा ग्रीन वाला जो पार्ट आ रहा है ना उसके पौधे वाला। हमने आज दोपहर से शुरू किया होता काम, और फिर हमने अभी सुबह 8:30 बजने वाले, और वैक्यूमिंग वगैरह हो गई है, हमने ये सारी चीज़ें लगा दी हैं, ये वाली चीज़, और वो पूरा सेटअप मैंने कर दिया है। 2 बजे से, कितने बजे आपने शुरू किया? 2 बजे। हाँ, तुमने बीच में ब्रेक भी लिया है 2 घंटे का। हाँ ये है, लंच ब्रेक लिया, जादू को लंच कराया, फिर नमाज ब्रेक लिया, चाय ब्रेक लिया, थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया, नाउ वी आर बैक। और ये जो है हमारा, हमने ये सेटअप बनाया, ये रमा का बहुत ज़बरदस्त आइडिया था, एंड वी रियली लाइक दिस वन। और इसी तरह का सोफ़ा एक और भी यहाँ पे भी आ जाता है, और ये भी आपका एक सेटअप बन जाता है। इसकी जो बैकग्राउंड है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरा यूनिवर्सिटी का दोस्त है, वर्ल्ड ऑफ हाजम, उसका इंस्टाग्राम हैंडल है, उसका नाम हाजिम है, हेजम भी कह सकते हैं उसको। तो ये इसने हमें गिफ्ट की थी 2 illustrations, एक कराची की और इस्लामाबाद की, तो ये दोनों एक रमा को रिप्रेजेंट करता है, एक मुझे रिप्रेजेंट करता है, तो ये यहाँ पे हमने इसको सेटअप बनाया हुआ है। और एक और उसने इलस्ट्रेशन हमें गिफ्ट की थी दोहा के 2022 में जब वर्ल्ड कप हुआ था, तो ये हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये मेरी ऑफिस बिल्डिंग थी कतर में, इसके ऊपर मैंने आपको एक व्लॉग भी बनाया था 100K का, तो उसके पीछे मेरे बैकग्राउंड में ये बिल्डिंग थी। ये मेरे बॉस ने, मेरी बॉस ने गिफ्ट की थी व्हेन आई वाज ऑन माय लास्ट डे इन द ऑफिस, सो दिस इज़ अ वे फॉर मी टू रिमेंबर माय ऑफिस, एंड इट्स अ वेरी स्वीट गिफ्ट। और जो ऊपर आप देखेंगे वो है ये स्विच फुट, मेरा फेवरेट बैंड है, 2015 में मैं उनके पहले कॉन्सर्ट में गया था, एक्चुअली दिस वॉज माई फर्स्ट एवर कॉन्सर्ट, और मैं थ्रू आउट माई स्कूल ईयर्स में इनके गाने सुनता था, बहुत ज़बरदस्त क्रिश्चियन रॉक बैंड है, तो इनका गाने मुझे बड़े पसंद थे, तो आई वेंट टू देयर कॉन्सर्ट, उनको मैंने बताया था मैं ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान आ रहा हूँ टू लिसन टू देयर कॉन्सर्ट, तो दे कॉल्ड मी अप ऑन स्टेज, और फिर मैंने उनके साथ मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है
वो मैंने ऑन स्टेज गाया था इन मिनियापलिस मिनेसोटा इन US। तो ये इसकी कहानी है इस वाले कॉर्नर की। रमा, तुमने भी तो एक म्यूज़िक आर्टिस्ट के साथ डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है और उसके साथ मुलाकात भी की है। ये कौन है? This is A.R. Rahman, the living legend. Yes, an Oscar-winning musician. So yeah, these things we have never really shared on our social media until now. So yeah, this is how we are putting bits and pieces of our life in the studio. बल्कि ये भी बताओ, ये क्या है? ये जो है, मैं बता दूँ? ये हमें शादी पे गिफ्ट किया गया था। ये एक क्या नाम है, सो क्या कहते थे, मैं भूल गया क्या था ये, क्या नाम होता था, क्लैपर बोर्ड। यस, क्लैपर बोर्ड। तो क्लैपर बोर्ड हमें ये था, इस गिफ्ट किया गया था। तो हमने इसको अपने जो पहला घर हमने कतर में सेट किया था उसके बाहर हमने इसको सेट किया था। एक बल्कि रमा की वीडियो भी है हमारी हाउस टूर की कतर की, उसमें आप देखेंगे इसको। तो ये अब नाउ दिस इज़ पार्ट ऑफ द स्टूडियो। इसमें हमारी जो एनिवर्सरी, हमारी शादी की डेट है वो ये लिखी हुई है। हम दोनों सैयद हैं, डायरेक्टर इस लाइफ की जो हमारी वो रमा है और मैं इसका कैमरा मैन हूँ। और 11D जो है वो हमारा पहले अपार्टमेंट का नंबर था। और इंशाल्लाह ये जो रोल हमारा चल रहा है ये इन्फिनिटी तक चलेगा। और जो साउंड है, वी डोंट वांट एनी साउंड डिस्टर्बिंग अस फॉर द रूम, वो जो हमारा अपार्टमेंट था। तो ये इसकी वो थी। प्रोडक्शन नंबर हमने कभी लिखा नहीं, तो मे बी यू कैन सजेस्ट कि प्रोडक्शन नंबर क्या होना चाहिए। तो जी, रात के 11:40 हो चुके हैं और इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग डे। और जो मैं आपके साथ पॉइंट क्रॉस कराना चाह रहा था आज के दिन, वो यही था कि इवन दो वीडियोस नहीं आ रही ऑन माय यूट्यूब चैनल, बट आप देखेंगे कितना बिजी चल रहा है, कितना कुछ काम हो रहा है इन बिहाइंड द सीन्स जो आपको नज़र नहीं आता ऑन वीडियो। तो इस व्लॉग का मकसद ये था आज आपके साथ मैं सारी चीज़ें शेयर करूं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट कर दी हैं। ये वहाँ सिल्वर प्ले बटन लग गया है डिग्री, और ये थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे डेकोर कर लिया है, अपना टेबल का सेटअप हो गया है। ये जो हमारा सोफ़े थे, हमने इसके थोड़े बहुत कुशंस चेंज कर दिए हैं, ठीक है। और हमने ये एक और सेटअप बना लिया है, यहाँ पे हम शायद कोई टेपेस्ट्री लगा लें, कोई चीज़ यहाँ पे लगा के एक और बैकड्रॉप बन सकता है। इसके अलावा मैं बल्कि कैमरा चेंज कर लेता हूँ। तो ये एक मैंने अभी आपको दिखाया, उसके अलावा ये एक और, ये हमने वर्टिकल वीडियो के लिए एक और सेटअप बनाया है। इसके पीछे वॉल आर्ट लग गया है, और इधर इसी तरह का ये वाला सोफ़ा है। हम इसको ऑल द वे ड्रैग डाउन करके ये एक और हमारा सेटअप बन गया है। इसके अलावा जो मैंने आपको दिखाया था दराज़ों का जो बुरा हाल हुआ था, ये अभी भी बिल्कुल सही नहीं हुआ है, बट ये इट्स अ लॉट बेटर नाउ। ये मेरी जो है केबल्स, चार्जर्स, बैटरीज़, ये मेरा खाना उसके लिए है। और कुछ मैंने इसमें हार्ड ड्राइव भी रखी हुई है, मगर हार्ड ड्राइव का अलग से भी एक मेरे पास है जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए है। और ये जो है मेरा, ये सारा ऑडियो से कोई भी चीज़ रिलेटेड है ना, तो वो सारी ऑडियो से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर आती हैं। तो ये मेरे रोड के माइक्स, रोड के लेवलियर माइक्स, सेनहाइजर का माइक हो गया, ठीक है, ये आपका जूम रिकॉर्डर हो गया, ऑडियो रिकॉर्डर, और यहाँ पे ये चार्जर्स लगे रहते हैं जिनसे हम चीज़ों को चार्ज करते हैं, ठीक है। ये जो भी बैटरीज होती हैं जब यूज़ हो जाती हैं, ये जो चीज़ें डिवाइसेस होती हैं, इनको मैं यहाँ चार्ज पे लगा के छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया है जी सेटअप हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ है, इट्स ऑलवेज अ ऑन गोइंग वर्क। दिस इज़ हाउ द स्टूडियो लुक्स फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट भी की थी जिसमें मैंने अपने जो बिहाइंड द सीन्स है और हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी क्या है वो भी डिस्कस की थी इन डिटेल, बट यहाँ पे भी मैं ब्लॉग में आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूँ। काफ़ी ओवरवेलमिंग हो गया है काम, अल्लाह का शुक्र है आना शुरू हो गया है। एज आई सेड के रमा और मैं, मेरी वाइफ जो हैं, हम दोनों मिलके ये वाला चैनल भी चलाते हैं, उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, और हम दोनों इंस्टाग्राम पर भी हैं। तो वी आर बेसिकली रनिंग टू चैनल्स। और जब से हमारा जो बच्चा है वो तकरीबन जब टॉडलर एज में आया है 2-2.5 साल की उम्र से, तो इट्स बीन वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट, मतलब फोकस्ड काम करने में ना बड़ी मुश्किल हो रही है हमें, और क्योंकि हमारे पास कोई हेल्प नहीं है विद द किड।
और कोई हेल्प नहीं है विद द कंटेंट, तो हमें हमें बड़ी अब रियलाइज़ होने लग गया है कि वी नीड टू क्या कहते हैं डेलीगेट आवर वर्क। तो इसी हवाले से अभी हमने शुरू कर दिया है काम। हमने अपना जो ब्रांड्स के साथ बहुत ज़्यादा जो डीलिंग्स हो रही थी, जो बिजनेस डीलिंग्स थी, उसको मैंने डेलीगेट कर दिया है। वी हैव अ मैनेजर नाउ। इसके अलावा जो है होपफुली इंशाल्लाह भी जाके मैं कोशिश करूँगा जल्द इसको मैं अपनी जो एडिटिंग वाली जो मेरी जो चीज़ें हैं ना वो भी डेलीगेट करें हम, और ताकि हम ज़्यादा जो है फिल्मिंग करने में हमें इतना ज़्यादा मसला नहीं हो रहा, कंटेंट प्लानिंग में भी अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं हो रहा, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास। व्हाट वी आर स्ट्रगलिंग विद इज़ एडिटिंग। तो एडिटिंग में हम थोड़ा चाह रहे हैं कि डेलीगेट करें चीज़ों को, फिर इंशाल्लाह आगे जाके हम चाह रहे हैं कि रिसर्च जो है ना, हमारी रिसर्च वाला जो कॉन्टेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो वाला पार्ट भी वी वुड लाइक टू डेलीगेट। बट पाकिस्तान में आपको पता है तो बंदे अच्छे ढूंढना ना बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये होपफुली हमारा इट विल बी अ ट्रायल एंड एरर, और इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अल्लाह का शुक्र है काम बढ़ भी रहा है, मगर साथ साथ जो है क्या कहते हैं उसके अलग चैलेंजेस भी आ रहे हैं। तो मैंने अपनी अपनी मीडिया कंपनी एक रजिस्टर करानी है, उसके अंडर मैंने सारी चीज़ों को फॉर्मलाइज करना है, और इंशाल्लाह आपके साथ ये सारा प्रोसेस शेयर करूँगा कि कंपनी कैसे इंशाल्लाह रजिस्टर होती है, और बैंक अकाउंट कंपनी का कैसे खुलता है, टैक्सेस वगैरह, ये सारी जो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो ये स्ट्रेटजी है। आई रियली डू मिस यूट्यूब टू बी ऑनेस्ट। मसला ये है कि यूट्यूब का इट इज़ अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत मेहनत लगती है इसकी वीडियोज़ बनाने में, स्पेशली जो रिसर्च वाली वीडियोज़ होती हैं। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये मैंने पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था कि जो ब्रांड्स हैं वो ज़्यादातर यूट्यूब पर इन्वेस्ट करती भी नहीं है, तो उसका ROI जो है ना बहुत कम है, पैसे बहुत कम इसमें है यूट्यूब में, एटलीस्ट फॉर इन माय सिनेरियो इन माय नीच। क्योंकि मैं बहुत कम वीडियोस डालता हूँ मगर रिसर्च बेस्ड डालता हूँ, और उस पर व्यूज़ जो आते हैं उसमें मतलब इतना पैसा नहीं बनता कि इट डज़ नॉट जस्टिफाई, इट डज़ नॉट मेक फाइनेंशियल सेंस। बट मुझे फिर भी मुझे बड़ा मज़ा आता है, एंड आई नो के ये जो YouTube की वीडियोस हैं ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करती हैं, और एक तरह से मेरे लिए सवाब कमाने का तरीका है ये। तो ये आई डोंट वांट टू लेट इट गो, बट इसके लिए मुझे ये करना होता है कि जो मेरा Instagram और बाकी हमारे जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है उस पे ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, ताकि ब्रांड्स जो चाहती हैं, जो वहाँ पर ब्रांड ज़्यादा मिलता है, काम ज़्यादा मिलता है, तो वो वाला जो काम है उस वहाँ से पैसे कमा कर हम इस चैनल पर भी इन्वेस्ट करें। तो वो दो हमें दोनों चीज़ों को लेकर चलना है। इंस्टाग्राम मेरा इतना बड़ा है नहीं, तो उसको मैंने ग्रो करना है, तो अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं करते वहाँ पे हम इट वुड रियली हेल्प मी अलॉट कि अगर आप मुझे वहाँ भी फॉलो करें तो मेरा इंस्टाग्राम और भी ग्रो हो वहाँ पर। रमा का अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अच्छा खासा ग्रो हो चुका है। तो ये हमारी बस कंटेंट स्ट्रेटजीज चलती रहती हैं। मैंने अगेन कोशिश की इस व्लॉग के ज़रिए आप लोगों को थोड़ी इस बिज़नेस की, इस मीडिया या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, कंटेंट क्रिएशन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, द बिज़नेस साइड ऑफ थिंग्स, वो आपके साथ मैं शेयर करूं। और अगेन रात बहुत हो गई है, 12 रात के 12 बजने वाले हैं, तो मैं भी अब निकलता हूं। और आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और आपको थोड़ा बहुत समझ आई होगी, और आपको ये भी समझ में आई होगी कि क्यों हम इतना ज़्यादा कॉन्टेंट नहीं बना रहे यूट्यूब के लिए खासतौर पर। बट इवेंचुअली टेंशन ना लें, वी विल गेट टू इट, and I will see you in the next one.